अपना वेलकम टू अविका किचन। और आज हम बना रहे हैं एकदम सुपर टेस्टी और स्पंजी मावा केक। ये खाने में बहुत डिलीशियस होता है, तो चलिए हम ये केक बनाना शुरू करते हैं। अब हम एक पतीला लेंगे और उसमें डालेंगे 1/2 कप दही। ये फ्रेश दही है, दही खट्टा नहीं होना चाहिए। और हम केक में जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे वो सब रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। अब हम यहाँ पे ले रहे हैं 1/8 कप ऑयल एंड 1/8 कप बटर। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालने के लिए इसके ऊपर रखेंगे एक छन्नी और डालेंगे 3/4 कप पाउडर्ड शुगर। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम जैसे जैसे इंग्रेडिएंट्स डालते जाते हैं मिक्स करते जाना है, वरना हम अगर लास्ट में मिक्स करेंगे तो लम्स बन सकता है। अब हमारे पास यहाँ पे है मावा, ये फीका मावा है, इसे हम ग्रेट करके डालेंगे। इसे मैंने ग्रेट कर लिया है और यहाँ पे हमने यूज़ किया है 1 कप के करीब मावा। इसे भी हम अच्छे से बैटर में मिक्स कर लेंगे। मावा इसमें अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब हम फिर से इसके ऊपर छन्नी रख देंगे और डालेंगे 1.5 कप मैदा। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। हाफ टी स्पून के करीब हम इसमें डाल रहे हैं इलायची पाउडर, इससे हमारे केक में काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए इसमें डालेंगे दूध और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पे ले लिया थोड़ी सी ड्राई फ्रूट, इसे हम केक के ऊपर डालेंगे। मैं थोड़ा सा इसमें मैदा डाल के छांट ले रही हूँ और ये प्रोसेस हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे ड्राई फ्रूट्स ऊपर ही दिखें, अंडरग्राउंड ना चले जाएं। अब हम यहाँ पे डाल रहे हैं 1 टीस्पून विनेगर। विनेगर हमेशा लास्ट स्टेप में डालते हैं जब हमारा मोल्ड ग्रीस होके पड़ा हो और जो हमारा पैन है वो भी गर्म हो चुका हो। अब हमने इसे विनेगर डाल के मिक्स कर लिया। विनेगर डालने के बाद ज़्यादा मिक्स नहीं करना होता है, सिर्फ अच्छे से एक बार मिक्स कर लेने का, फटाफट से मोल्ड में डालने का और फिर जो हमने पैन गर्म करके रखा है उसमें डाल देंगे। अब हम इसे 45 to 50 मिनट्स तक लो फ्लेम पे बेक होने देंगे और 50 मिनट्स बाद ये देखिए मेरा केक बनके तैयार है। इस तरह से टूथपिक डाल के देखेंगे, अगर वो टूथपिक क्लीन आ रही है तो हमारा केक तैयार हो चुका है। अगर केक क्लीन नहीं आ रही है तो उसे 10 मिनट तक और बेक कर लें। इस तरह से किनारे छुड़वा देंगे उसके और ये देखिए एकदम मस्त सॉफ्ट केक बना है।
और हमने जो इलायची डाली थी ना उसका फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है, तो आप इलायची ज़रूर डालिएगा। इसमें हमने वेनिला एसेंस नहीं डाल के इलायची डाली है, वही इस केक का एसेंस है। ये देखिए है ना एकदम सॉफ्ट। अब मैं आपको इसे कट करके भी बताती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। और आप ये रेसिपी ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।